सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव, भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। आज हम वर्ग छः के बच्चों को संस्कृत में पाठ छः पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ छः में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लट लकार मध्यम पुरुष। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे लट लकार प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का कर्ता होता है सह तौते सा तेता। लकार भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि पांच होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ललित लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार, लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम युवा और यूयम। तुम त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सब। इसमें हम लोग धातु के साथ सी थ थ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक बार इस पाठ को भी पढ़ ले। छात्र ध्यान रखे कि मध्यम पुरुष के कर्ता है त्वम युवाम युयम, तुम दो तुम सब, और इसके साथ धातुओं के बाद सी थ थ प्रत्यय लगाए जाते हैं। रूप बनते हैं इस प्रकार। धातु खाद, यहाँ खाद दिया है इसलिए खाद के बारे में हम लोग जानेंगे। त्वम खादसी, खाद धातु में सी लग गया तो सेंटेंस बना त्वम खादसी, तुम खाते हो। अगर पठ धातु रहता तो हम कहते कि त्वम पठसी। हंस रहता त्वम हंससी, और तुम दोनों तुम सब, हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही तरह से पढ़ेंगे। यहाँ यह दिया भी गया है, इसको ध्यान से देख ले कि यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि मध्यम पुरुष के रूप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में समान होते हैं तथा दोनों लिंगों की क्रिया में भी कोई अंतर नहीं आता। सामान्यतः मध्यम पुरुष का प्रयोग वार्तालाप के रूप में होता है। मध्यम पुरुष दोनों लिंगों में समान, और वचन भी हमारे तीन होते हैं यह तो हम लोग जानते ही हैं। एक वचन से एक का बोध होता है, द्विवचन से दो का, और बहुवचन से तीन या बहुत का। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। युवाम क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो। यहाँ बालिका और बालक दोनों हैं तो दोनों के लिए हम क्या कह रहे हैं, युवाम क्रीडता। अगर दोनों लड़कियां भी रहती तो हम लोग कहते युवाम क्रीडता, और दोनों लड़के भी होते तब भी हम लोग यही कहते युवाम क्रीडता। यूयम क्रीडता, तुम सब खेलते हो। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करती हो। युवाम नमथा, तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयम नमथा, तुम सब नमस्कार करते हो। त्वम हंससी, तुम हंसते हो। युवाम हंसता, तुम दोनों हंसते हो। यूयम हंसता, तुम सब हंसते हो। त्वम वृद्धा असी, तुम बूढ़े हो। त्वम शनै शनै चलसी, तुम धीरे धीरे चलते हो। युवाम वृद्धायै न स्थ, तुम दोनों बूढ़े नहीं हो। युवाम तीव्रम धावथ, तुम दोनों तेज दौड़ते हो। युवम अपि वृद्धा नास्थ, तुम सब भी बूढ़े नहीं हो। युयम अपि तीव्रम धावथ, तुम सब भी तेज दौड़ते हो। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि बालक और बालिका दोनों हैं, और दोनों के लिए हम लोग त्वम युवाम युयम का ही प्रयोग कर रहे हैं। त्वम पाठम पठसि, लेखम च लिखसि, तुम पाठ पढ़ते हो और लेख लिखते हो। त्वम निपुणा बालिका असि, तुम निपुण बालिका हो। असि हो के लिए होता है। युवाम मधुरम गायथ, तुम दोनों अच्छा गाती हो। युवाम शोभनई गायके अस्थ, तुम दोनों अच्छी गायिका हो। यूयम शोभनम नृत्यथ, तुम सब अच्छा नाचती हो।
यूयम मधुरम गायथ अपि, तुम सब अच्छा गाती भी हो। यूयम कुशला कलाकार अपि अस्थ, तुम सब कुशल कलाकार भी हो। यूयम त्वम अम्बा असि, तुम माता हो। त्वम भोजनम पचसि, तुम भोजन पकाती हो। युवाम शाकानि आनयथ, तुम दोनों सब्जियां लाती हो। युवाम भोजनम अपि पचथ, तुम दोनों भोजन भी पकाती हो। युवम यूयम अध्यापिका अस्थ, आप सब तुम सब अध्यापिका हो। यूयम छात्रान पाठ्यथ, तुम सब छात्रों को पढ़ाती हो। त्वम सैनिका असि, तुम सैनिक हो। त्वम देशम रक्षसि, तुम देश की रक्षा करते हो। युवाम छात्रौ अस्थ, तुम दोनों छात्र हो। युवाम लेखम लिखथ, तुम दोनों लेख भी लिखते हो। यूयम बाला अस्थ, तुम सब बच्चे हो। यूयम दुग्धम पीवथ, तुम सब दूध पीते हो। इस प्रकार इस पाठ में हम लोग पढ़े कि त्वम युवाम यूयम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए सामान्य रूप से लगा, और ये भी हम लोग पढ़ लिए कि धातु में कोई भी धातु हो तो हम लोग धातु में सी थ का प्रयोग किए। और हम लोग ये अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यम उत्तम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष के बाद उत्तम पुरुष। पुरुष तो हमारे तीन होते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रथम पुरुष, अभी हम लोग पढ़े मध्यम पुरुष, और फिर अब पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कर्ता हम लोग जान लें अहम आवाम वयम होता है, ठीक है। अब हम लोग शब्दार्थ भी देखते हैं। शब्दार्थ, त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब, क्रीडसी तुम खेलते हो, या स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। क्रीडथ तुम दो खेलते हो, हंसथ तुम दो हंसते हो। वृद्ध बूढ़ा आदमी, असि हो तुम हो। असि अस्थ, अस्थ रूप चलता है मध्यम पुरुष में। धावथ तुम दो भागते हो, वृद्धा वृद्ध दो बूढ़े आदमी। लिखसी तुम लिखते हो, लेखम लेख, मधुरम मीठा, गायथ तुम दो गाती हो, स्थ तुम दो हो। अपि भी अम्बा माता, पचसी तुम पकाती हो। शाकानी सब्जियां, वेजिटेबल्स। आनयथ तुम दो लाती हो। छात्रान छात्रों को। निपुणा कुशला चतुर। शोभने गायिके दो गाने वाली अच्छी स्त्रियां। नमथ तुम सब नमस्कार करते हो। अध्यापिका अध्यापिकाएं। कलाकारा कलाकार बहुवचन। नृत्यथ तुम नृत्य करती हो। पाठ्यथ तुम पढ़ाती हो, बहुवचन है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिए, और आप बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, और फिर कहीं कोई कठिनाई हो तो आप लोग हमसे पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।